शादी कर रहे हैं। हाँ शादी शादी कर रहे हैं हम लोग। उम्र देखिए उस लड़की की, उम्र क्या होती है उस लड़की की, कितनी उम्र तुम्हारी, उम्र क्या होती है शादी की, कितनी उम्र भाव बेटी है, लेकिन माला वाला डाल रखा है, लड़की ने सिंदूर लगा रखा है, क्या करना क्या चाहते हैं देखे को चल के पूछो। आइए आइए करना क्या चाहते हैं इस लड़की के नाम कम्फर्टेबल कर रहे। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या 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 हो रहा है, वो क्या रहा है, आप कौन हो? नहीं नहीं हम कौन है, ये क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? शादी शादी कर रहे हैं हम लोग। उम्र देखिए उस लड़की की, उम्र क्या होती है उस लड़की की, कितनी उम्र तुम्हारी, उम्र क्या होती है, कितनी उम्र है, 18 साल उम्र है, 18 है लेकिन नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी अब 50 के आसपास है। 50 साल उम्र है लड़की 18 साल की, तुम क्या शादी कर रहे हो, शादी करने के लिए तुम्हें, शादी कर, तुम 18 की हो भी कि नहीं हो, 18 साल की हो, तुम्हारी मर्जी से हो रही है शादी, तुम्हारी मर्जी से हो रही है, डरो मत हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, खाने जाएंगे। हाँ भाई कैसे जबरदस्ती कर रहे शादी, मैं लेके आऊंगा, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, तुम्हारी मर्जी से हो रही है शादी, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी मर्जी से हो रही है शादी, मर्जी से हो रही है ना, सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही तुम्हें, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, शादी मर्जी, मुंह बंद करके 2 मिनट खड़े रहना, बोलोगे शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही, देखो यार मैं पुलिस को बुलाऊंगा, देखो फिर दोनों का क्या हाल होगा, अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा फिर जहाँ दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, छोटी हो 18 साल की उम्र है तुम्हारी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, प्यार से पूछ रहा हूँ, मर्जी से हो रही है कि नहीं हो रही, या ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बताओ, जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, इधर आओ इधर आओ, कैसे कर रहे हो तुम, कैसे क्या कर रहे हैं, 18 साल की उम्र है, 18 साल की लड़की है, नहीं बालिक हो गई, इसका मतलब क्या तुम 50 साल की अपनी उम्र नहीं देख रहे, अपनी उम्र क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखो ना, दिलीप कुमार के साथ अभी अभी दिलीप कुमार के, अभी दिलीप कुमार बनाओ तुम्हें, दिलीप कुमार वो रोक रही है, जब मर्जी से हो रही है, सुनो सुनो तुम बिना परेशान हुए बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, हाथ मत लगा दियो, बता रहा हूँ, देख सुन तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, तू इज्जत देने लायक है नहीं, तेरे बहुत उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, शांति से सुनियो एक बार, ठीक है, तुम्हारी मर्जी से हो रही शादी, नहीं, कहाँ से हो तुम, यूपी से, यूपी से हो भाई, क्या कौन है तुम्हारा, ये मेरे घर से मुझे पढ़ाने के लिए बुला के लाए थे, क्या बोला था तुम्हारे घर पे, क्या बोल के लाए थे, जोर से बोला आवाज नहीं तुम्हारी, ये कह रहे थे कि पढ़ाई करने के लिए लाऊंगा मैं, फिर क्या किया इन्होंने, क्या किया भाई, तू पढ़ा रहा है इसे, पढ़ा रहा हूँ इसको, आगे बढ़ाऊंगा, नहीं नहीं आगे बढ़ाएगा, ऐसा कौन आगे बढ़ाता, तुम्हारे घर वालों ने परमिशन दे दिया इस चीज के लिए, शादी के लिए इसके घर वालों ने परमिशन दे दिया, परमिशन दे दी, 2 लाख रुपए देख लेके आओ, मैं जो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 लाख रुपए दिए पूरे मैंने, 2 लाख रुपए पढ़ाऊंगा भी, इसकी जिंदगी बनाऊंगा मैं, 2 लाख रुपए की चीज के लिए जो पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी जीवन साथी भी बनेगी, सब कुछ कुछ भी कर, तूने लड़की को खरीदा है पैसे देके, मैंने खरीदा क्या, एक मतलब एक हमारा एक समझौता हुआ, तुम्हारे घर वालों से इसने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों में अकल नहीं है, तुम अब रो रही हो इस तरीके से, उस टाइम तुम अपने खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकती, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, वो तो परेशान थे, यूपी में रहते हैं, वो परेशान थे पैदा करके, कह रहे हैं परेशान थे, परेशान थे, मतलब क्या 2 लाख रुपए देके तू क्या चाहेगा, बच्ची खरीद ले, ये तो जिंदगी बनाएगा, अपनी उम्र देख रहा है 50 साल की, लड़की देखा 18 साल की, उसका क्या होगा, शिक्षित होगी तो, शिक्षित होगी और तू तू तेरे जैसे बूढ़े ये काम करेंगे तो क्या करेंगे, आपको मैं आपके पिता के समान हूँ, लेकिन आपको मेरे मेरे पिता भी बूढ़े हैं, मेरे पिता भी बूढ़े हैं, इसलिए इज्जत से समझा रहा हूँ, अगर 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 तू मेरे पिता के समान है ना, तो वो देख ले, वो तेरी बेटी के समान है, एक बार तू वो देख ले, पोती के समान, बल्कि 18 साल की है वो, तेरे अंदर इतनी अकल है, इतना दिमाग है तेरे अंदर, लेकिन बालिक तो है ना, 18 साल की, अपने खिलाफ स्टैंड नहीं ले, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये क्या क्या करवाता है तुम, तेरे अंदर इतनी अकल नहीं हो, लड़की की जिंदगी खराब होगी, तू क्या करना क्या चाहता है, पढ़ाऊंगा इसको, आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ाएगा, और तुम्हारे अंदर स्टैंड नहीं ले सकती थी अपने खिलाफ, पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन सही गलत का तो पता होगा, सही गलत की तो नॉलेज होगी तुम्हें, और तुम्हारे घर वालों ने इसके साथ भेज दिया तुम्हें, सर मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा बहुत नशेड़ी है, इसलिए ये मेरे से मेरे को पढ़ाने के लिए, तू किसी की बेटी को ना पढ़ा के ना उसको बना सकता था, अगर उसका कुछ होता ना तुझे जिंदगी भर ना धन्यवाद बोलती, लेकिन तूने उसके साथ क्या किया, उसकी शादी कर ली, उसकी जिंदगी खराब कर ली, आगे उसका क्या होगा, क्या भविष्य होगा, तू तो 2-4 साल बाद मर जाएगा, तेरा क्या होगा, तू तो 2-4 साल में मर जाएगा, 50 साल की उम्र में लटका हुआ पड़ा है अभी, अभी तू अभी तू आधा मरा हुआ से दिख रहा है, अब बताओ उसकी जिंदगी का क्या होगा, आगे तेरे जाने के बाद क्या होगा, जिंदगी तो रोशन हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, क्या होगी रोशन, क्या होगी उसकी जिंदगी, रोशन तेरा कर दिया उसकी जिंदगी में, वो अभी से रो रही है, आगे उसका क्या होगा, देश के अंदर नारा नहीं होगा, पता एक बात पता, नहीं 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 बच्ची पढ़ेगी, लेकिन पढ़ेगी इस तरीके से पढ़ेगी, तू उसे पढ़ा सकता है, लेकिन तू उसके साथ शादी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, पता कितनी गैर कानूनी है, सुन सुन तरीके का कुछ, तेरी उम्र, तेरी उम्र तू बता रहा है ना 50 साल और इसकी 18 साल, पता है गैर कानूनी है,
गैर काबिल है कि नहीं है ये बता। तुम रो मत, परेशान मत हो, परेशान मत हो। उस टाइम अपने क्या करता है बालिक, अब तुझे ये नहीं पता कि 21 साल की उम्र हो गई है, बालिक की उम्र 21 साल हो गई, तुझे इतना नहीं पता, न्यूज नहीं देखता या फिर दुनिया के बारे में तुझे नहीं पता। अब बता तेरे साथ क्या होगा अगर एक बार पुलिस को बुला लिया, उसके लिए जिंदगी खराब करी थी तूने, और तेरा क्या होगा, जो दो भी टाइम तेरे पास बचा हुआ वो भी निपट जाएगा तू। अब ऐसे है ना थोड़ा सा, नहीं क्या क्या समझ लो, इधर साइड साइड इधर आओ, तुम भी इधर आओ। क्या कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, वो रो रही है, उसकी हालत देख रहा तू, उसकी हालत देख रहा, क्या हालत हो रखी है, क्या हालत हो रखी है उसकी। और अभी भी तू उसे हाथ मत लगा, समझा रहा हूँ तुझे, हाथ मत लगा दी उस लड़की को। अभी ये बताओ क्या करना है, तुम इसके साथ रहना चाहती हो नहीं रहना चाहती, घर वालों के पास जाना चाहती हो या पढ़ना चाहती हो? घर वालों के पास भी, घर वालों के सामने ही पढ़ना चाहती हूँ। घर वालों के साथ पढ़ना चाहती हो ना, देखो अगर तुम्हारे पापा को हम समझाने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं मानते तो बहुत सारी चीजें हैं उसका हम अरेंज करेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे जो भी होगा, ठीक है? बट ऐसे इंसान के साथ तेरा देख, तेरी तो जिंदगी बर्बाद है ही। लेकिन मेरे 2 लाख का क्या होगा, तेरे 2 लाख ना कभी नहीं मिलेंगे, अब मेरे मिलेंगे तो मैं, क्योंकि जो तू ये तेरी पूरा पूरी वीडियो मैंने बनाई है, एक बार मुंह बंद कर थप्पड़ मारूंगा जोर का। गाइस एक बार इस इंसान को देख लो, ये दरिंदा इंसान क्या कर रहा है, 50 साल की उम्र है इसकी और 18 साल की ये लड़की है, इसके साथ शादी कर रहा है। अब क्या मुझे छुपा रहा है, उस टाइम तुझे शर्म नहीं है जब मंदिर में दुनिया जब तुझे देखती, उस टाइम तुझे शर्म नहीं आई कि मंदिर में भगवान के सामने तू ये सारी चीजें कर रहा है, उस टाइम तेरे को अकल नहीं आई? मैं हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। नाम क्या तुम्हारा? आशिका। तेरा नाम क्या है? नाम बताओ। मोहन। मोहन नाम है, मोहन नाम है भाई इसका, 50 साल का है। अगर इसके आसपास रहते हैं इसके घर पे जाओ, इतने जूते इतने थप्पड़ बरसाओ इसको, ये जो चीजें कर रहा है ना गैर कानूनी है, इतनी घटिया हरकत ये इंसान ने की है, इस लड़की को लाके जबरदस्ती 2 लाख रुपए में इसने खरीदा है, इसके घर वालों से ये बोला था कि पढ़ाने ले जा रहा हूं लिखाने जा रहा हूं, और तू ये पढ़ा रहा है इसे, ये इससे काम करवा रहा है तू? नहीं, तू ये काम, हाथ नीचे कर, ये काम तू उससे करवा रहा है? एक बार भी तुम्हें इसने स्कूल या कॉलेज कहीं भेजा इसने? क्या करवाता था तुमसे? मुझसे घर का सारा काम करवाता था और मुझे मारता था और मेरे साथ जबरदस्ती। तो ग्रहणी घर गई तो काम करेगी, और जबरदस्ती करता था तुम्हारे साथ? कितने कभी हाथ दाया तेरे ऊपर? सुन, उसके साथ जबरदस्ती करता था? हाँ जबरदस्ती कुछ नहीं किया। तू उसकी उम्र देख, 18 साल की लड़की, तो उसके साथ तो शर्म कर ले, तेरे मंदिर में अपन इतना मारता, इतना मारता, क्या करना क्या चाहता है? कुछ नहीं किया इसलिए तू बच रहा है, वरना जिंदगी तेरी बर्बाद कर देता है यही खड़ी खड़ी। वही तो कह रहा हूं, समझ रहा है तू बात? लेकिन मेरे तेरे साथ 2 लाख दो थप्पड़ दूंगा ना, ऐसा घूमता हुआ गिरेगा यहीं पे। और तुम चलो, तुम्हारे साथ तुम देखो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें पूरा पता है ना? तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। और गाइस एक बार दोबारा से इस लड़की की, इस इंसान की शकल देख लो, और ये लड़की है जिसकी इसने जिंदगी बर्बाद, एक बार शकल दिखाओ इस लड़की की, इसने जिंदगी खराब कर दी है। 18 साल की लड़की अभी छोटी बच्ची है, और इसके साथ इस बंदे ने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की है, उसकी कोई मंजूरी नहीं थी, उसके पापा को मतलब उसके जो पापा थे वो नशेड़ी थे, 2 लाख रुपए दे के इस बंदे ने मतलब इतना गलत किया है ना कि अब इसके साथ जो होगा ना वो देखते हैं कौन इसे बचाता है और कौन सा कानून इसे बचाता है। इसको बहुत कानून आता है ना, आज तुझे हम कानून सिखाएंगे, इसे लेके आ, निकाल, आ जा, चलो तुम भी आओ, तुझे सारा कानून का पाठ पढ़ाऊंगा, चलो चलो।